नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। सोचिए, आप रोज सिर्फ उतना ही कमाते हैं जितने से आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाए, लेकिन अचानक से आपकी किस्मत पलटती है और आपकी करोड़ों की लॉटरी लग जाती है। आपको कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है, आप खुश होंगे, आपके कदम सातवें आसमान पर होंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी करोड़ों की लॉटरी लगने के बाद भी वो खुश होने की बजाय पछता रहे हैं। बता दें कि ओणम बम्पर लॉटरी में 25 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीतने वाला केरल का ऑटो चालक अब अपनी किस्मत पर पछता रहा है। विजेता ऑटो चालक अनूप का कहना है कि जैकपॉट जीतने के बाद उनकी सुख शांति सब छिन गई। जब से वो लॉटरी में इतनी बड़ी रकम जीते हैं, तब से कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उससे मिलने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। 30 साल के अनूप का कहना है कि उसे अपनी जीत पर पछतावा हो रहा है। उसने कहा, जब से मैंने लॉटरी जीती है तब से मैं चैन से नहीं हूँ। आलम यह है कि मैं अब अपने घर में भी नहीं रह सकता। मैं कई ऐसे लोगों से घिरा रहता हूँ जो अपनी कई तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। मैं अब जगह बदलता रहता हूँ, इससे अच्छा तो मैं पहले ही था जब लॉटरी नहीं जीती थी। वहीं अनूप ने आगे भी कहा, जब मैंने लॉटरी जीती तो 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, मेरा प्रचार हो रहा था, लोग मेरे बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जिंदगी मुसीबत में बदल गई। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए बार बार जगह बदल रहा हूँ, मैं बाहर भी नहीं निकल सकता, मैं सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे पैसा नहीं मिला है, अब लोग मेरे दुश्मन बनने लगे हैं। अब बात करते हैं कि अनूप के परिवार में कौन कौन है। आपको बता दें कि अनूप पत्नी, बच्चे और माँ के साथ तिरुवनंतपुरम में 12 किलोमीटर की दूरी पर श्रीकार्यम में रहते हैं। 25 करोड़ रुपए जीतने वाले ऑटो ड्राइवर को सभी तरह के टैक्स काटकर 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसने बच्चे की बचत पेटी तोड़कर 500 रुपए में लॉटरी का टिकट खरीदा था। तब से बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जैकपॉट पर उसका ही नाम होगा। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अनूप ऑटो चलाने से पहले एक शेफ का काम करता था, लेकिन बाद में उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। जब बात इससे भी नहीं बन रही थी, तब वो दोबारा शेफ बनने के लिए मलेशिया जाने वाला था। इसके लिए उसने बैंक से लोन भी ले लिया था। उसने पंजा वंगडी गणपति मंदिर के पास एक स्थानीय एजेंट से 500 रुपए में लॉटरी का टिकट खरीदा था। उसके बाद अनूप की किस्मत पलट गई, 25 करोड़ रुपए जीत गया, लेकिन वो खुश नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।